Everybody, welcome back to my deep channel. I am advocate Divya. What is the meaning of curative petition? Curative petition क्या होती है and इसका evaluation कहाँ से हुआ, क्या concept है curative petition का, चाहे वो निर्भया केस हो या याकूब मेनन का केस हो, इनके अंदर क्या है curative petition दायर की गई and ये petition क्या है, इसका evaluation कहाँ से हुआ. अशोक हुरा वर्सेज रूपा हुरा करके 2002 के अंदर एक केस था जिसमें इसका इवैल्यूएशन हुआ क्यूरेटिव पिटीशन का, जिसका मीन था रिव्यू ऑफ रिव्यू. ठीक है, रिव्यू का भी रिव्यू. आइए देखते हैं. क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो तब फाइल किया जाता है जबकि जो क्रिमिनल है उसकी प्रेसिडेंट के पास भेजी गई मर्सी पिटीशन एंड सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू की जो पिटीशन है वो खारिज कर दी जाती है. बात करते हैं इसकी ओरिजिन की, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ. तो रूपा हुर्रा वर्सेज करके एक केस था, रूपा हुर्रा वर्सेज अशोक हुर्रा करके 2002 के अंदर, उसमें सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इसको डेवलप किया. ओके, तो अशोक हुर्रा वर्सेज रूपा हुर्रा करके एक केस था जिसके अंदर एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि वेदर एन अग्रीव पर्सन इज एंटाइटल टू एनी रिलीफ अगेंस्ट द फाइनल जजमेंट. क्या कोई भी अग्रीव पर्सन एंटाइटल है किसी रिलीफ के एक फाइनल जजमेंट या ऑर्डर हो जाने के बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इवन आफ्टर द डिसमिसल ऑफ अ रिव्यू पिटीशन. तो 137 जो आर्टिकल है वो बात करता है रिव्यू ऑफ जजमेंट्स की. तो एक क्वेश्चन अराइज हुआ इस केस के अंदर, रूपा वर्सेस अशोक हुर्रा केस के अंदर, कि क्या ग्रीव पर्सन एंटाइटल है किसी रिलीफ के फाइनल जजमेंट के बाद भी. तो फिर जो क्यूरेटिव पिटीशन है उसका राइज हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रोसेस के जो प्रोसेस है, ठीक है, अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस को रोकने के लिए एंड जो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी इनहेरेंट पावर के लिए अपने जजमेंट्स को रिव्यू दे सकता है और रिकंसिड्यूट कर सकता है अपने ही रिव्यूज़ को. ठीक है, तो ये था हमारा क्यूरेटिव पिटीशन जो कि इस केस के अंदर सबसे पहले डेवलप हुआ. ठीक है, और ये क्या है, इट मस्ट बी रेयर रैदर देन रेगुलर. ये क्या है, रेयर केस में ही लिया जाता है पिटीशन, किया जाता है पिटीशन. ओके, क्या डिफरेंस है बिटवीन जुडिशियल रिव्यू एंड क्यूरेटिव पिटीशन. जुडिशियल रिव्यू जो है ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 137 में गिवन है जो कि सुप्रीम कोर्ट को अपने ही जजमेंट्स पे रिव्यू की पावर देता है, जबकि जो क्यूरेटिव पिटीशन है वो अशोक हुर्रा वर्सेज रूपा हुर्रा करके एक 2002 में केस था जिसमें कि वो इसी केस के दौरान ये हाईलाइट में आया. ठीक है, इसका ओरिजिन यहाँ पर हुआ. ठीक है, अगला केस देखते हैं जो कि है ईप्रू सुधाकर वर्सेज आंध्र प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, तो जो कि 2006 का मैटर है. इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 72 एंड आर्टिकल 61 के अंतर्गत, ठीक है, इसके अंदर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की जो पावर्स हैं वो क्या है, अंडर रिव्यू हैं. ठीक है, मर्सी पिटीशन जो है वो प्रेसिडेंट का फाइनल ऑर्डर माना जाता है, लेकिन याकूब मेनन एंड निर्भया केस में ये एक्सेप्शन हुआ. क्यूरेटिव पिटीशन जो है उसके अंदर क्रिमिनल के पास फाइनल मौका होता है जब वो अपनी सज़ा कम करवा सकता है एंड क्यूरेटिव पिटीशन किसी मैटर के अंदर अभियोग की फाइनल कड़ी होता है और इसका फैसला आने के बाद मुजरिम के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं.